मार्च से लेकर 5 मार्च तक का हमारे पास अभी अपडेट फिगर्स हैं। उत्पाद और पुलिस विभाग की तरफ से जो कार्रवाई की गई है मद्य निषेध को लागू करने के लिए, उसमें पहले 5 दिनों के अंतर्गत 12,000 के ऊपर छापेमारियां की गई हैं और इस दौरान 1496 लगभग 1500 अभियोग दर्ज किए गए हैं और इसमें 1688 अभियुक्त लगभग 1700 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। भदोही माह में 1300 वाहन भी जब्त किए गए हैं और आप जानते हैं कि जलमार्ग से तस्करी रोकने के लिए रिवर पेट्रोलिंग की जा रही है और चेक पोस्ट पर भी सघन जांच जारी है और कॉल सेंटर आप जानते हैं जहां पहले लगभग ऑन एन एवरेज 70 से 80 कॉल आते थे, अभी 300 के आसपास प्रतिदिन कॉल्स की संख्या पहुंच गई है। ड्रोन के बारे में आप लोग सब छाप रहे हैं पेपर में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसकी न्यूज़ उसकी जानकारी सबको दी जा रही है। अभी पूरे राज्य में लगभग 43 ड्रोन्स कार्यरत हैं और उसकी मदद से जो जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की है तब से लेकर के अब तक लगभग 21 लाख किलो जावा महुआ या जो गुड़ या इस तरह की जो सामग्री होती है कच्ची शराब या विनष्ट की गई है और लगभग 42,000 लीटर शराब भी रिकवर करके विनष्ट की गई है। तो ये गंगा दियारा सोन गंडक घाघरा इन सब नदियों में ये सब कार्रवाई की जा रही है और हाई स्पीड बोट प्रोक्योर करने के लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उसका टेंडर वगैरह भी फाइनल हो गया है। जैसे ही आगे की जानकारी उपलब्ध होगी हम लोग आपको उपलब्ध कराने लायक वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। सैटेलाइट फोन्स भी आ गए हैं, सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से भी लोग जो सुदूर क्षेत्र या जो शेडो जोन्स होते हैं जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं लगता है दियारा क्षेत्र स्पेशली, वहाँ पर इससे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। होली को ध्यान में रखते हुए हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं। सभी जिलों में होली के पर्व को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सख्त निगरानी रखी जा रही है और रात में भी ड्रोन के माध्यम से उस पर निगरानी रखने की कार्रवाई कर रहे हैं। शहरों के आउटस्कर्ट्स में शहरों में भी हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी प्रगति जो हुई है मैं आपसे शेयर करूँगा कि जो दिसंबर माह में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विशेष न्यायालय स्थापित किए गए और उसके बाद जो ट्रायल है केसेस का विचारण की जो प्रगति है उसमें बहुत तेज़ी आई है और अभी एट प्रेजेंट 1,12,000 ट्रायल शुरू हो चुके हैं पूरे राज्य में और 1,850 ट्रायल जिसमें से पूर्ण हो चुके हैं और इसमें से 1,129 व्यक्तियों को सजा भी दी जा चुकी है। 1,129 लोगों को सजा भी हो चुकी है जनवरी माह में। दिसंबर माह में विशेष न्यायालय का स्थापना के लिए अधिसूचना निर्गत की गई और जनवरी माह में स्थापित हो गई। जनवरी माह में कुल ट्रायल जो कंप्लीट हुए उसकी संख्या 66 थी, फरवरी में यह संख्या बढ़ के 86 हो गई, मतलब ये अब अपवर्ड ट्रेंड है। ट्रायल्स की संख्या जल्दी बढ़ने से जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सजा भी जल्दी दी जा सकती है। तो जो फरवरी माह में 86 ट्रायल कंप्लीट हुए उसमें 57 को सजा दी गई है, 57 वाद में ट्रायल में पनिशमेंट दिया गया, कन्विक्शन हुआ है और इस महीने में हम लोग आशा करते हैं कि और भी संख्या बढ़ेगी ताकि उसमें विधिसम्मत कार्रवाई होती है, वो विधिसम्मत कार्रवाई होती है। ठीक है, मैंने पिछली बार ही कहा था कि अधिनियम के अंतर्गत जो भी सरकारी गवाह बनता है उसको जो भी विधिसम्मत सहायता होती है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपका ये कहना कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हम उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं अभी आपको, बट ये है कि हम लोग मद्य निषेध को लागू करने के लिए आप जान रहे हैं कि हम लोग हर तरह का प्रयास कर रहे हैं
जो भी संभव है, जो भी सजेशन हमको जहाँ से मिलते हैं, हम लोग हर चीज़ को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमको सभी लोग मदद करें और हम लोग इसको लागू कर सकें। हम लोग नीरा का सीज़न आया है और उस नीरा के सीज़न में नीरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बहुत तरह की स्कीम सरकार चला रही है, ठीक है, उसकी सही जानकारी, एग्जैक्ट जानकारी हम आपको अगले प्रश्न